students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. Today I am going to introduce chapter 7, fractions. So सबसे पहले बेटे हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है और हमारी लाइफ में हम फ्रैक्शन कहाँ कहाँ पर देखते हैं, ये यूज होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ जहां से हमें पता चलेगा कि हम अपनी लाइफ में फ्रैक्शन कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो आप सबने देखा होगा, आप सब बर्थडे पार्टी पर जाते हो, ठीक है, और वहां पर आपको खाने के लिए क्या मिलता है, टेस्टी केक मिलता है ना। सो जब आपके पास, जब भी आपने बर्थडे पार्टी में जाकर देखा तो आपके पास केक आइदर ऐसा राउंड शेप में होगा कंप्लीट, या फिर ऐसे स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है, कोई भी शेप में केक होगा आपके पास, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं होता कि आप जब भी जाते हो आपको हाफ केक शॉपकीपर देता हो, कंप्लीट एक पूरी शेप में देता है ना केक। सो जो हमारे पास कंप्लीट है उसको हम क्या बोलते हैं, होल, ठीक है। जो कंप्लीट चीज है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, होल। होल का मतलब पूरा और कंप्लीट, ठीक है। फिर जब बर्थडे पार्टी में आगे फिर केक कट होता है तो उसमें आपने देखा होगा केक के पार्ट्स बनाए जाते हैं, मींस केक को डिवाइड किया जाता है। सो सपोज करो आपके 4 फ्रेंड एक बर्थडे पार्टी पर गए, ठीक है। सो केक को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में। सो हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये सर्कल है मेरे पास, ये मैंने इसको पहले हाफ में डिवाइड कर दिया, मींस आधा और ये आधा, इसको हम क्या बोलते हैं, आधे को हाफ, ठीक है, एच ए एल एफ, हाफ। और हम इसको लिखते कैसे हैं, 1/2, ठीक है। होल का मतलब होता है कंप्लीट 1, और मैंने उसके 2 पार्ट्स कर दिए, ठीक है, तो वो मेरा हो गया हाफ। और मेरे को तो 4 पार्ट्स चाहिए, तो मींस मेरे को इसको और डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैंने जो मेरे पास 2 हाफ थे उनको 2 और हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया लाइक दिस, ठीक है। सो अब मेरे पास कितने पार्ट हो गए, 1/4, ठीक है, आपके पास 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। सो इट मींस आपने क्या किया कि एक होल जो आपके पास चीज थी उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 4 पार्ट्स इसके बन गए, ठीक है। सो दिस, ये जो हम हाफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं या 1/4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दें तो आपकी डेफिनेशन क्या है, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट स्टैंड्स फॉर अ पार्ट और पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो कि क्या हमें दिखाता है, पार्ट, या तो कुछ हिस्सा दिखाएगा या पार्ट्स, काफी सारे हिस्से दिखाएगा, किसके, ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहले होल ही बनाया था, जो मैंने आपको बताया था 1, तो होल को आगे डिवाइड जब मैंने कर दिया अलग अलग पार्ट्स में इक्वली, तो मेरे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हम आप इस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो हमारे पास टॉपिक्स है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती है, नेक्स्ट थर्ड वन इज कंपैरिजन, कंपैरिजन करेंगे हम फ्रैक्शंस में, देन इज फाइंडिंग द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ढूंढना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे हम, एंड द लास्ट वन इज द वर्ड प्रॉब्लम्स, आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी फ्रैक्शन बेस्ड, ठीक है। सो एक और चीज हम इसमें समझेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है। सो आपने देखा मैंने इसको 1/2 लिखा हुआ है, सो इसमें और इसको 1/4 लिखा है। सो जो आपका अपर पार्ट होता है ये आपकी डिवाइडिंग लाइन है, ठीक है, दिस इज द डिवाइडिंग लाइन, डिवाइडिंग लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट अपर पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और डिवाइडिंग लाइन से जो लोअर पार्ट होता है मतलब नीचे वाला हिस्सा, इस लाइन के नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। दोबारा से बता रही हूं आपको, डिवाइडिंग लाइन से जो अपर पार्ट होता है उसको बोला जाता है न्यूमरेटर, और डिवाइडिंग लाइन से जो लोअर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और ये पूरा हमारा जो है दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन,
पूरे को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, और फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास दो पार्ट आते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो आई होप यू गॉट व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, और हमारी लाइफ में फ्रैक्शन हम कहाँ कहाँ देखते हैं या यूज करते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.